ट्रेन आ गई भाई। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स फन बाय अध्याय। मनोज तोमर भाई, आज देवराना होटल में हम आ गए हैं डिनर के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे देवराना होटल, जो कि मुजफ्फरनगर जिले का सबसे फेमस होटल है भाई। होटल एंड रेस्टोरेंट है, और जो कि NH 58 पर, यानी कि जो नेशनल हाईवे 58 है उस पर ये बिल्कुल ऑन रोड है, और मुजफ्फरनगर और खतौली के बीच में पड़ता है लगभग। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं भाई यहाँ पे कितना जो है लोग एंजॉय करते हैं, और रात का आने का यहाँ पे ज़्यादा मज़ा होता है। तो इसलिए हम रात में आए हैं, रात में हम डिनर भी करेंगे और साथ में हम जो है बच्चों को लेकर आए हैं, तो काफ़ी एंजॉय करने के लिए। तो आपको दिखाएंगे भाई, आप जो है अपने फैमिली को लेकर यहाँ पे आ सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, क्या है और खाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है। तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइज कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं अब हम अंदर। तो हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए भाई, इसमें पार्किंग की बहुत अच्छी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, फ्री पार्किंग है इसमें। ये देखिए बच्चों के लिए खेलने के जो बहुत सारे बैलून्स, इसके अंदर जो बच्चों को घुसा दिया जाता है और बच्चे इसमें फाइटिंग करते हैं, बैलून्स को जो है हिट करते हैं, और काफ़ी एंजॉय करते हैं इसमें बच्चे। छोटे बच्चों के लिए ही बहुत ही शानदार चीज़ है। इधर जो है जंपिंग मैट भी है बच्चों के लिए, बहुत ही शानदार जंपिंग मैट होगा। तो देखिए ये जंपिंग मैट आपको दिखाई दे रहा है, ये बाद में हम यहाँ पे बैठेंगे। अभी हम दिखाते हैं यहाँ का सबसे खूबसूरत पॉइंट है, जो कि यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं, वो है ये फाउंटेन, जो कि बहुत ही कलरफुल लाइट्स इसमें आती है। ये देखिए कितनी कलर जो है चेंज करती है। तो सबसे सुंदर चीज़ है यहाँ की जो फाउंटेन है आपको दिखाई दे रहा है। तो जो जैसे ही इसमें एंट्री गेट है अंदर जाने के लिए, तो वहाँ उसके ठीक सामने होता है ये, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा आके फ़ोटो वगैरह लेते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, अपनी रील वगैरह बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए पॉइंट, अब ये सामने आपको दिखाई दे रहा है अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए हम अंदर लेके चलेंगे आपको पहले, और दिखाएंगे खाने में क्या मिलता है। तो गाइस हम अंदर आ गए हैं अभी, और देखिए प्लेट्स जो है हमारे सामने रखी गई है भाई। हमने ऑर्डर कर दिया है शाही पनीर और दाल मखनी का हमने ऑर्डर दिया है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा अपने सामने स्क्रीन भी लगी हुई है। तो भाई क्योंकि आज वर्ल्ड कप का मैच भी है इंडिया और अफगानिस्तान का, तो हमने मैच का भी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए गाइस खाना आ गया है भाई, करते हैं स्टार्ट। सिंपल रोटी हमने मंगाई है, तो अभी हम जो है खाना खाएंगे और आपको भी बताएंगे कि यहाँ का खाना कितना टेस्टी है। तो चलिएगा गाइस करते हैं स्टार्ट। सो गाइस भाई, खाना जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सर्व खाना हो गया है। फुल्ली एसी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ठंडा हो रहा है मतलब, तो इसलिए हम क्योंकि ज़्यादा एसी में रहने जाते नहीं है, तो बहुत ठंड लग रही है अंदर, बहुत ज़्यादा चिल्ड इन्होंने बना रखा है बिल्कुल अंदर के हॉल को, बहुत बड़ा हॉल है ये। तो गाइस देखिए, बाहर आते ही खाना काफ़ी अच्छा लगा, तो बाहर यहाँ पे बहुत से लोग जो है यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, तो हमने भी सोचा चलो हम भी यहाँ पे भी वीडियो आपको दिखाते हैं। एक एक पॉइंट हम दिखाएंगे इस वीडियो में आपको, कहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं इस हॉल के, तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, ये अपने अपने जो है फोटो वगैरह लेते हैं यहाँ पे। तो अंदर जो है काफ़ी चिल्ड था भाई, बहुत ठंड। ये यहाँ पे अट्रैक्शन का केंद्र है ये फाउंटेन, जो कि कलरफुल लाइट्स इसमें से निकलती है। तो यहाँ पे बैठ के बड़ा सुकून आ रहा है भाई, बहुत आनंद आ रहा है। और हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे यहाँ की, जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, ये देखिए 360 डिग्री वीडियो आप बना सकते हैं। ये देखिएगा इसमें 360 डिग्री आप जो है ये भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, तो काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं अगर आप शाम के समय आते हैं, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी होती है, धूप होती है, तो यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय है। आप 7 बजे के आसपास यहाँ पे आएँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत शानदार लगता है, काफ़ी मन लगता है
और बच्चे भी बहुत खुश यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे दोनों बच्चे फुल मस्ती में हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है और खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ है। तो भाई अब करते हैं स्कूटर की सवारी। तो आप स्कूटर पे भी जो है यहाँ पे खूब मस्ती कर सकते हैं। पुराने जमाने का स्कूटर है भाई और बराबर में आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रैक्टर को भी चलाते हैं ट्रैक्टर को। तो आप ट्रैक्टर भी चला सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत ही बहुत सुंदर है काफी ये ट्रैक्टर। और ये देखो भैया अध्याय और आ रही दोनों बैठ गए हैं ट्रैक्टर पे और अब हम चल पड़े हैं गाड़ी लेकर। चलिए चलते हैं आगे। जंपिंग मैट बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। यहाँ पे एक और बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज है जो कि एक ट्रेन है, वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। अभी आने वाली है ट्रेन। चलो 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 बस। तो देखिए भाई ट्रैक्टर का जो डिजाइन है वो बहुत शानदार है, बहुत पुराने जमाने का ट्रैक्टर है ये। ये आ गई है ट्रेन दोस्तों, ट्रेन आ गई भाई। ये देखिए आप बच्चे जो है इसमें भी राइड कर सकते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे ट्रेन में बैठना और एक चक्कर ये कटा के लाते हैं। ये ट्रेन है, इसी के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों की गाड़ियाँ होती है उसमें भी बच्चे जो है एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और ये बैलून्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैलून्स में बच्चे किस तरह से एंजॉय करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत पसंद आती है छोटे बच्चों, 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ हम दिखा रहे हैं, एक रथ है तो यहाँ भी लोग फोटो खिंचाते हैं। तो बहुत सारी सेल्फी पॉइंट इसमें मिल गए हैं, तो सारे सेल्फी पॉइंट मैंने दिखा दिए हैं और अंदर का हॉल भी मैंने दिखा, काफ़ी बड़ा हॉल इसमें अंदर है जिसमें चलेंगे, जो कि रेस्टोरेंट है जहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह किए जाते हैं। तो भाई काफ़ी एंजॉय यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल एंजॉय से भरा हुआ है रेस्टोरेंट और होटल। इसमें बहुत सारे कैफे हैं अलग अलग, पिज्जा हाउस अलग है, इसमें सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही जगह मिल जाएंगी। सो गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता देना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।